हरियाणा के यमुनानगर में राज्य मंत्री कमली डाडा की अगुवाई में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कुल 15 शिकायतें रखी गई, जिनमें 12 शिकायतों को मौके पर ही निपटाया गया, जबकि 3 शिकायतों को अगली बैठक में रखा जाएगा। राज्य मंत्री कमली डाडा ने बताया कि पुलिस, पंचायत और सिंचाई विभाग से जुड़ी कई विभागों की शिकायतें आई थी, जिनका समाधान कर दिया गया है। कमली डाडा ने आशा वर्कर की हड़ताल पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह मामला हरियाणा सरकार की नजर में है और इसका समाधान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जरूर करेंगे। आशा वर्कर भी हमारी बहनें हैं, उन्हें भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए देखते रहें अजीत समाचार वेब टीवी। तो हमने यहाँ से डोबे से गांव से 32 सैंपल उठाए थे, ऊपर इंफेक्शन हुई, लेकिन वो कोविड की जो टेस्ट लगाते हैं उसमें नहीं आ रहा। चिकनगुनिया भी आ रहा, वायरल टेढ़ी बस अड्डा के ऊपर एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ पर आइए गया था, लेकिन फिर वो हॉस्पिटल में गया, लेकिन डॉक्टर साहब ने अनफिट का स्टेटमेंट दे दिया, और उसके बाद फिर क्या है स्टेटमेंट के मुताबिक केस रजिस्टर कर दिया था। केस रजिस्टर करने के बाद उसने इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ तथ्य सामने आ चुके पास इसके बाद का, और ये कहते हैं 5:30 बजे मेरे साथ एक्सीडेंट किया है, मेरे साथ एक्सीडेंट किया बस स्टैंड में मेरे साथ। तो आप मैडम ये बीच छप्पर गांव से हैं, बिलासपुर ये थाना लगता है, और ये जैसे फोन का बता रहे हैं ना, तो फोन उन्होंने जैसे ये फुटेज लेने लगे ना, तो हल्की बारिश हो रही थी वहाँ पे, वो 100 मीटर आगे रुक गए, पीछे आए दो बंदे उतर के, वो ही लोग देखे। तो जो डीजीपी है उन्होंने अपनी रिपोर्ट कितने कब दी थी, और जब इतने साल इतने महीने पहले रिपोर्ट दे दी थी, जिसकी थी अभी मिश्र साहब ने भी बताई है कि लगभग 150 करोड़ है और इनको नगर निगम अप्रूव के लिए भेज रही है। मेरा यह कहना है कि इसके अंदर कुछ दिखते अभी भी आज विश्वास खत्म हो रहा है, तो उनकी रजिस्ट्री रुकी हुई है, और जो पहले अप्रूव थी जिनके नक्शे पास थे उनको भी अनअप्रूव कर दिया गया है। जैसे की लाल द्वारा कॉलोनी 1950-55 में बन गई थी और वो अप्रूव थी, नक्शे पास थे। आज भी अगर देखें तो लाल द्वारा के बिल्कुल साथ गलियां अनअप्रूव में छोड़ी हुई है, और यहाँ तक है कि लाल द्वारा कॉलोनी, कलिंदी कॉलोनी, ग्रीन पार्क, ये नाम आज भी नक्शे में नहीं है, इसको नया नाम दे दिया सुंदर नगर। तो ये एक कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, या तो अधिकारियों को इसके बारे में एक कमेटी बनाए और इसके अंदर स्पेशलिस्ट कुछ बंदों को ले और उसके अंदर जल्दी से जल्दी करें, नहीं तो मेरे हिसाब से ये 6 महीने नहीं हो पा, और ये अगले इलेक्शन में भी जाकर दिक्कत पैदा करेगा इस चीज को, क्योंकि ये आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है मैडम, रजिस्ट्रियों की वजह से और दिक्कतें आ रही है। तो इसमें क्या होता है कि मैडम वायरल में जैसे क्या होता है कि जैसे उनको आप पेशेंट को आप पीसीएम और वो अंडर जैसे क्या होगी, तो उससे 70-80 हजार काउंट पेशेंट का जाता है होता है वायरल पेशेंट बनाता है, वो प्राइवेट है 15 दिन एडमिट होता है, उसे वही 20-30 हजार मैडम उस पर कैपिंग नहीं हम कर सकते कि प्राइवेट अस्पताल कितना चार्ज करेगा, टेस्ट का चार्ज तो हमारी कैपिंग है, वो 0 नहीं दे सकते। बाकी हमारे पास मैडम रैंडम प्लेटलेट है, हमारे पास हमने स्पेशल ब्लड कैंप लगाए हैं नॉर्मल रजिस्टर किए हैं इसलिए पहले से, और हमारे अगर अस्पताल में जो पेशेंट आता है उसको एचडीबी लगता है, सिंगल डोनर प्लेटलेट होता है मैडम, एक वो मशीन होती है फेरेसिस की, उससे सारा ब्लड अंदर जाता है, प्लेटलेट बाहर आता है, क्योंकि ब्लड दिया किसी ने तो 90 दिन के लिए बाउंड हो गया, 90 दिन बाद देगा वो, तो प्लेटलेट आप हमेशा 72 घंटे बाद दोबारा दे सकते हैं फेरेसिस में, उसके लिए हमारे पास 22,000 रुपये पड़े हैं, 11,000 की किट है, उसका रेट फिक्स किया हुआ सरकार ने, 11,000 से ज्यादा कोई मिलेगा प्राइवेट वाले में, सरकार में हमारे पास वो रैंडम प्लेटलेट है जो 2 लाख का कैंप की हो, तो उसमें हमारे पास सारे प्लेटलेट हैं मैडम, और ये दो के पैसे हमारे पास आए हुए हैं मैडम, 22,000 रुपये जो पेशेंट हमारे पास एडमिट होता है उसको बाहर से प्राइवेट से लेने से कुछ लेना है प्लेटलेट लेना है। और जिनका मैम से जो बैकवर्ड पास किए हैं लेडीज, उनको गलत कमेंट पास करना या उनको नीचा दिखाना और हर एक चीज को पॉलिटिक्स इंक्लूड करना, जैसे हम बीजेपी सपोर्टर्स हैं, वो कांग्रेस है, तो मतलब कि उनको वोट दिए तो उनसे ले लो, और किसी अगर राशन कार्ड कट जाता है तो सरपंच ने कटवा दिया, वो नहीं चाहते तुम्हें राशन मिले। तो मैम अभी FCI सर ने उनका सप्लाई बंद कर दिया, जिससे हम सेटिस्फाइड हैं, बट मैम उनका लाइसेंस रद्द किया, इससे पहले 2017 में भी उनके पास उनका मतलब बंद करवा दिया सप्लाई, अब 2022 में उन्होंने फिर से करवा दिया है,
बट मेरा लाइसेंस वो रद्द करवा दिया कोई भी हो गया मैं और उसका व्यवहार सही है दो पार्ट आरोपों ने डिपोजार के निर्देश बयान दिए थे जिनके ऊपर हमने कार्रवाई करते हुए डिपोजार की सुपरिटेंडेंट प्रोसेस सस्पेंड कर दी है और डिपोजार को बाउंड कॉल नोटिस जारी कर दिए हैं जैसे ही बाउंड कॉल नोटिस पोस्ट कर रहे हैं इसके प्रति बोले गए अक्षर तो आए नहीं होंगे ये तो बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा ऑफेंस है और अगर कोई नीची जाति की महिलाओं के लिए मैं शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता उनके ऊपर कटाक्ष करता है तो फिर तो आगे बढ़ेगी माननीय मंत्री जी महिलाएं जो ये सर कह रहे हैं कि 35 दिन वो वही है जो कमेंट पास करके हम करवाते हैं आप उल्टा गलत इंक्वायरी कर रहे हैं उस दिन में झूठ बोल के लेडीज को बुलाया गया कि हम तुम्हें सरसों की तेल की बोतल देंगे वो इंक्वायरी वाले और बाद में जब बोलकर पूछा कि हमने कहा तो कहते कि उसने कहा हो गए जाओ सरकार के संज्ञान में है और सरकार इसको देख रही है और कोई भी है कोई भी कर्मचारी या अधिकारी है उसमें हमारी सरकार बिल्कुल उसको किसी तरीके से तंग नहीं होने देगी अगर उनकी कोई डिमांड है इस तरह की तो हमने ज्ञापन भी दिया उस पर भी सरकार देख रही है उसको ऐसे तंग नहीं होने देगी सरकार देखो आपने पता है लोकतंत्र में चलता रहता है इस तरह का तो और जो इस तरह की आई है तो बिल्कुल उस पर संज्ञान लेंगे और देखेंगे देखिये जिनका निवारण संतुष्ट है उन्होंने आके बोला अभी हम संतुष्ट हैं आपके सामने बोल रहे आके माइक पे और कुछ आए नहीं उन्होंने पहले ही बता रखा कि हम संतुष्ट हैं इसलिए नहीं आए तो संतुष्टि का तो इसमें हमारे पे आता है तभी हम संतुष्टि के लिए बोलते हैं तीन बाकी है उसका अगली मीटिंग में देख लेंगे इंस्पेक्शन लेवल नहीं आ पा रहा जैसे पुलिस का मामला था दोनों तरफ से ही पेंडिंग रख दी ना अगले के लिए हमने अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो अगले के लिए हमने पेंडिंग रख ली और पुलिस विभाग के अधिकारी को हमने बोला है इसको आप उसकी जांच कराओ एसपी साहब बैठे हैं होगा भी आप जांच कराओ जांच करा के अगली मीटिंग के लिए हमने पेंडिंग रख लिया तो जांच करा के जो भी आएगा तो अगली मीटिंग में उसको देखेंगे